हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया, द बेस्ट ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिफेंस। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ लास्ट 5 ईयर्स का पेपर, लास्ट 5 ईयर पेपर्स ऑफ CAPF। आज हम एनालिसिस करेंगे 5 साल के CAPF के पेपर का, जिसके अंदर से हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर से बेटा 25 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। 25 क्वेश्चंस, दैट मींस कि 50 मार्क्स। ओके, अगर हम बात करते हैं 50 मार्क्स, दैट मींस कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब अगर हम क्वेश्चंस की तरफ देखें तो अगर आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन कर रखी है तो ये आपके 50 मार्क्स पक्के हैं, ये पूरे 50 मार्क्स आप इजीली ले सकते हो। अब उसके लिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसके बेस पे हमें पता चलता है कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम के अंदर किन किन टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि प्रीवियस 5 ईयर्स के अंदर से कितने कितने क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स में से आए हुए हैं। ओके, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि UPSC CAPF 2020 के अंदर भी अभिपीडिया के 40+ सिलेक्शंस हैं, और सेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार। हम चाहते हैं कि अभिपीडिया के इस बार 50+ सिलेक्शंस होने चाहिए, तो उसके लिए हमने एक कोर्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, दैट इज़ ए फास्ट ट्रैक कोर्स, 60 डेज का इंटेंसिव फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर CAPF पेपर 2। ओके, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज से, जिसके अंदर सभी UPSC की फैकल्टीज़ आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करवा रही है। तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। अगर आप लोगों को इस पे कोई और भी क्यूरी है तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे फ़ोन नंबर आपके पास में अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं हम एनालिसिस की तरफ। तो अगर बेटा हम बात करते हैं CAPF एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन की, तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया 25 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, 25 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। अब उनके अंदर से भी अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। बट अगर हम प्रीवियस एनालिसिस करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कि परसेंटेज और एवरेज, परसेंटेज एवरेज आप ये मान के चल सकते हैं कि परसेंटेज एवरेज पूरा अर्थमेटिक इसी पे बेस्ड है। ओके, परसेंटेज एवरेज इन टॉपिक्स के अंदर से 13 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं 5 ईयर्स में। अगर हम, मैं सिर्फ एक साल की बात नहीं कर रही, टोटल 5 ईयर्स के अंदर टोटल जितने जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में बता रही हूँ, तो परसेंटेज एंड एवरेज के अंदर से बेटा 13 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे। दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट है परसेंटेज, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बाद मैंचुरेशन में बेटा 2D एंड 3D, अगर दोनों को हम इंक्लूड करते हैं तो टोटल 9 क्वेश्चंस वर फ्रॉम मैंचुरेशन। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में से आपके पास में आ जाता है पाई चार्ट आ गया, ठीक है, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, डाटा टेबल, इसके अलावा केस स्टडीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो वो सारा कुछ आप ये देखिए कि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस उस पे से आए हुए थे, ठीक है, हमारे पास में 8 क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आए हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर सिस्टम में से करने में से 8 क्वेश्चंस, यस, नंबर सिस्टम 8 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए। उसके बाद हम आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे, सिंप्लीफिकेशन के हैं 5 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चंस, LCM HCF अगेन 5 क्वेश्चंस। ओके, एजिस पे बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, और जो पर्टिकुलर उसके अंदर कंसेप्ट होता है वो एज का कंसेप्ट यूज़ हो रहा होता है, तो इस तरह से एजिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसके अंदर से बेटा 3 क्वेश्चंस एग्जाम में से थे, डन। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 2 क्वेश्चंस, प्रॉफिट एंड लॉस, 2 क्वेश्चंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस।
अगर हम डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड एंड डिस्टेंस के अंडर आपके टॉपिक्स आ जाते हैं। एक तो सिंपल डायरेक्ट स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक्स आ जाते हैं, इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट भी स्पीड एंड डिस्टेंस में ही है। इसके अलावा जो ट्रेन्स का कंसेप्ट है उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये थे आपके टू क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हैं? टू क्वेश्चंस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, और इसी के ऊपर बेस्ड है पाइप एंड सिस्टर्न। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, दोनों के अंदर सेम कंसेप्ट है और इनमें से हमारे प्रीवियस ईयर में टू क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टू क्वेश्चंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टू क्वेश्चंस। एंड अगर हम मिसलेनियस की बात करें, देर आर फोर क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस टॉपिक्स। ओके, मिसलेनियस मीन्स आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर पर्टिकुलर टॉपिक के अंडर उनको नहीं हम कंसीडर कर सकते, लॉजिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं जिसके अंदर दो तीन टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो इस तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सबसे पहले हमें जो परसेंटेज, एवरेज, नंबर सिस्टम, ओके, इसके अलावा आपका LCM, HCF, सिंपल आपके पास में एजिस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपने पहले कंप्लीट करना है, पहले कंप्लीट करना है। ओके, अब हम अगर देखें लॉजिकल रीजनिंग, अगर हम बात करते हैं बेटा लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आ जाता है आपका सबसे पहले सीरीज एंड मिसिंग नंबर। तो अब इसके अंदर आप ये कह सकते हो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पे नंबर बेस्ड सीरीज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर मैंने सभी को कंसीडर किया है सिक्स क्वेश्चन के अंदर कि कभी आपकी नंबर सीरीज एग्जाम में आई हुई है, तो कभी भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सीरीज एग्जाम में आई हुई है, तो कभी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ गई है, किसी एग्जाम के अंदर आपके पास में मिसिंग नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई भी मिसिंग टर्म हो सकते हैं, मिसिंग अल्फ़ाबेट बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके, तो दिस इज सीरीज एंड मिसिंग नंबर, इस पर आपके सिक्स क्वेश्चन आए हुए थे। ओके, देर वर सिक्स क्वेश्चन। उसके बाद हम अगर बात करते वेन डायग्राम एंड सिलोजियम, सिलोजियम अगेन इम्पोर्टेंट है, सिलोजियम वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके फाइव। डन, अब आते हैं हम क्यूब एंड डाइसिस की तरफ। क्यूब एंड डाइसिस पे थ्री क्वेश्चंस एग्जाम में हमने देखने को मिले हैं, टोटल थ्री क्वेश्चंस। डन, अब उसके बाद आता है क्लॉक एंड कैलेंडर, अगेन इम्पोर्टेंट, फोर क्वेश्चंस। दैट मीन्स कि हर बार एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो क्लॉक एंड कैलेंडर में से। ओके, उसके बाद है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, फोर क्वेश्चंस। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, देर वर थ्री क्वेश्चंस। एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इजी है, एनालॉगी क्लासिफिकेशन एक इजी टॉपिक है और इसमें से आप देख सकते हो थ्री क्वेश्चंस फ्रॉम एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्लड रिलेशन, देयर आर टू क्वेश्चंस। ओके, कोडिंग एंड डिकोडिंग में से भी दो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए थे। ओके, अब अगर हम बात करते कोडिंग एंड डिकोडिंग के बाद आते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर से एग्जाम में आए हुए हैं टू क्वेश्चंस। देन उसके बाद आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स एंड सम मिसलेनियस टॉपिक्स। तो उसके अंदर से हम कह सकते हैं कि टू क्वेश्चंस वर फ्रॉम दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को ही कंपेयर करें, तो उस केस में आपने देखो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के कंपैरिजन में। ओके, तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को हमने प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जो हमारा टारगेट है, बेसिकली हमारा टारगेट है कि इसके अंदर आपके 50 out of 50 मार्क्स आ जाएँ। जैसे कि आपको पता है कि अराउंड 60 डेज है हमारे पास में, CAPF पेपर वन के अंदर। तो उसके अंदर बेटा मेरा टारगेट मेनली है कि आप लोगों को 50 out of 50 मार्क्स मिल जाए इस पर्टिकुलर सेक्शन में से, इसमें से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के अंदर से। तो उसके लिए हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम आप लोगों को जो पर्टिकुलर टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर से उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअल में एग्जाम के अंदर आ रहे हैं और उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के थ्रू आपका कंसेप्ट भी हम क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा मेरा मेन टारगेट यही है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो इन पर्टिकुलर
टॉपिक्स को मैं आप लोगों को सभी को क्लियर करवाने वाली हूँ। सीरीज शुरू कर रहे हैं हम मेनली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के लिए, तो उसके लिए मेनली है आप लोगों का हमारे साथ में जुड़ना। जितना आप लोगों का रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिल जाएंगी। तो आप सभी ने इसको मैक्सिमम शेयर करना है। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की, जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ उसी तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट कि जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं आपके उसी तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस हो डन। तो उसके लिए सभी ने इसको मैक्सिमम शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। सो स्टूडेंट्स, कल से शुरू हो रही है क्लासेस, सभी ने ज्वाइन करना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है फॉर पेपर वन एंड पेपर टू। कोई भी पर्टिकुलर आपको अगर पेपर वन से रिगार्डिंग कोर्स की रिक्वायरमेंट है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स पेपर टू के लिए स्टार्ट होने जा रहा है तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर मैं मिलूंगी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, और इस बार हमने अपना टारगेट पूरा करना है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच।